अभी हम लोग बाघा बॉर्डर जा रहे हैं और बहुत तेज धूप है भाई, छाया नाम के तो यहाँ कोई चीज ही नहीं है। धूप कितना तेज है भाई, धूप लग रहा है बहुत तेज। तो फाइनली हम लोग बाघा बॉर्डर गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अपने चिक्स पे तिरंगे का निशान भी बनवाया हम लोग भाई। यहाँ सब कुछ के पैसे लगते हैं भाई, तिरंगे के निशान बनाने में हम लोग को 40-40 रुपये लगा। पहुँच गए जी वाघा बॉर्डर, फाइनली वाघा बॉर्डर पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आगे प्रोसीड करते हैं, फिर जैसे जैसे बातें होती है। इसके आगे शायद कैमरा यहाँ पर से अलाउड नहीं है, बताते हैं हम आपको, अपडेट देते हैं। दर्शकों को सूचित किया जाता है कि स्टेडियम परिसर के अंदर आपके बैठने के लिए बस अब कुछ ही मिनटों में हम गेट के अंदर एंट्री करेंगे। और ये है इंडिया का स्वर्ण जयंती द्वार, काफी अच्छा देखने में दिख रहा है और काफी ऊंचा भी हाइट। पता स्टेडियम के अंदर पहुंच चुके हैं जहाँ पे बैठ के हम लोग सारा परेड देखेंगे। ओहो, ठंडी ठंडी हवा तो अभी आ रही है। दिखाता हूँ यहाँ बाघा बॉर्डर का, 50,000 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, कैपेसिटी है 50,000 लोग बैठने के लिए। और ये VIP गेस्ट के लिए चेयर है। सामने आप देख रहे हैं हमारे BSF के नौजवान, वहाँ पे मुस्तैनी से अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। और परेड हम लोग आ पहुँचे वाघा बॉर्डर, क्राउड है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते है, कड़कती हुई धूप में इतने सारे लोग आए हैं। वाकई में अपने आप इतना होता तो हम लोग आगे बैठते, बहुत ज़्यादा धूप है और धूप में बैठ के एक घंटा वेट करना पड़ेगा। जो परेड का टाइमिंग है वो 5:30 है, तो अभी 4:10 हो रहा है, काफ़ी समय धूप में बैठना पड़ा, इसलिए हम लोग छाँव में बैठे हैं। और जो 5 बजे का तो नीचे जाके आगे सब लोग दिखाएंगे परेड। लास्ट बने रहे और लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, थैंक यू।
सीमाओं की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का स्वर्ण इतिहास है। प्रत्येक सुबह भारतीय आकाश में उदय होने वाला सूरज, सरहदों पर अटूट दीवार स्वरूप तैनात बीएसएफ के जवानों के अधिक एवं शहजान यादों को सलाम करता हुआ प्रतीत होता है। 1963 को बीएसएफ की स्थापना हुई और भारतीय सेवा को एक ऐसा प्रहरी प्राप्त हुआ जिसकी सदैव चौकन्ना निगाहों ने भारतीय सेवा को अभी दीवार में परिवर्तित कर दिया है। इतिहास सेवा है कि बीएसएफ के जवानों ने दुश्मनों के हर नापाक इरादे को चकनाचूर करने में सदैव सफलता प्राप्त की। एवं निष्ठुर सदियों से राजस्थान की तपती मरुस्थल और रण के दल तक पूर्व में सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों से मिजोरम त्रिपुरा की दुर्गम पहाड़ियों तक बीएसएफ के जवान के हौसले कभी भी मस्त नहीं हुए। आज विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ पड़ने वाली लगभग 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी भारतीय सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इन सरहदों पर आने वाली हरेक चुनौती का सामना बीएसएफ के जवानों ने अत्यंत वीरतापूर्वक किया है। हमने सरहदों की वीरान अंधेरे अपने लहू के चिरागों से रोशन किए हैं। ये ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी भी बीएसएफ के जवानों के शौर्य एवं वीरता की खामोश गवाह है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद ये जेसीबी अमृतसर लाहौर मार्ग पर बॉर्डर पिलर नंबर 102 के नजदीक स्थापित की गई। भारत से गांव अटारी महाराजा रणजीत सिंह की सेना के जनरल शाम सिंह अटारी की शादी का एक हिस्सा था। वाघा
बच्चों से निवेदन है, कृपया राष्ट्रीय ध्वज बनाते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े। दिखाता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये बॉर्डर है, उस साइड पाकिस्तान है और इस साइड हिंदुस्तान है। अभी हम लोग हिंदुस्तान में हैं। पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान क्या करने जाएंगे? जाएंगे पाकिस्तान से कोई पाकिस्तानी लाने? पाकिस्तान को इंडिया में मिलाने। चलिए ठीक है, ये बॉर्डर है। इतना पास से देख के मैं कभी पहले सोचता था कि मतलब बॉर्डर कैसा होता होगा, तो आज मैं लाइव देखा बॉर्डर और बहुत अच्छा लगा। लाइव मैं सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा देख के। तो ये बॉर्डर है इंडिया हिंदुस्तान का, और इंडिया हिंदुस्तान बोलो पाकिस्तान और हिंदुस्तान। गाइस हम लोग 2 दिन के टूर पे निकले थे और हम लोग का टूर यहाँ समाप्त हुआ और बहुत इंजॉय किया हमने। अमृतसर गोल्डन टेम्पल घूमा, जालियांवाला बाग घूमा, और सबसे मजा और इंजॉय बोलिए बाघा बॉर्डर लगा भाई। बाघा बॉर्डर गला फंस गया चिल्ला के, हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम का नारा लगा के लाया थे। लास्ट है वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।